अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो मदरसा फ़ातिमा तुज़हरा से मदद हासिल कर सकते हैं। आप जब भी पुकारेंगे लब्बैक बोला जाएगा इंशाल्लाह। आज एक ख़ास अमल, जिन लोगों की दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, जिन पर रश नहीं है, बहुत परेशान हैं, क्योंकि रिस्क होगा, फाका कशी नहीं होगी, अल्लाह की रहमत और बरकत होगी, तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस सुन लेते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, अल्लाह ताला तुम्हारे कामों में बरकत अता फरमाएंगे, वरना दुनियावी कामों के लिए तुम पर इस कदर मुसल्लत कर देंगे कि तुम एक लम्हे के लिए भी फारग ना रहोगे, फुर्सत ना मिलेगी और बेसकून रहोगे, कभी सकून नसीब ना होगा। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर इतना मसला अगर आपका ख़राब हो गया है, रिस्क नहीं आता, दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, घर में फाका कशी है, तो अल्लाह से दोस्ती कर लो, अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर कर अल्लाह से दुआ कर लो, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। दुकान हो या कारोबार हो, ये नक्श आपने बनाना है। नक्श बनाने के बाद आपने कितने पैसों की आपको ज़रूरत है, एक साल के पैसे यहाँ पर भरने हैं, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, इससे भी ज़्यादा अगर आपको चाहिए, इस नक्श के नीचे आपने पैसे की तादाद लिखनी है। एक साल के पैसों की तादाद आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आपने इस नक्श को पहले 3 दिन अपने बाजू पर बांधना है, एक नक्श को, और दूसरा नक्श 3 दिन बाद नया बनाना है, और वही नक्श जौन सा है, ये दौलत और पैसा, माल, रिस्क हटा कर फिर आपने सिर्फ नक्श बनाकर वो अपनी दुकान पर लगा लेना है। अब आप अमल की तरफ आ जाएं। दिन वक्त कौन सा हो अमल करने का, दिन का वक्त यानी कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, पाकिस्तान के हिसाब से आप अपने मुल्कों में अपने हिसाब से करें। अगर कोई बाहर के मुल्क से है कोई, तो वो अपने हिसाब से, मुल्क के हिसाब से दिन में 2-3 बजे ये अमल करें। तेज़ सूरज की गर्मी में ये अमल करें। दिन जुमे का हो, दुरूद पाक एक बार, जब एक सूरत मुबारक पढ़नी है तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू में ज़रूरी है। सूरह कौसर को 3 मरतबा पढ़ें, सूरह फातिहा को 3 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, सूरह कौसर 3 मरतबा पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर दूसरा अमल शुरू किया, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी, लास्ट में फिर जौन सा है दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अब ये अमल नक्श के साथ था। जिन लोगों के कारोबार नहीं चलते, दुकान नहीं चलती, वो ये अमल 3 दिन करें। अगर घर में फाका कशी है, घर में रिस्क नहीं है, घर में रोटी नहीं है, पानी नहीं है, किसी चीज़ की भी कमी है, आपके घर में इतना फाका है कि घर में जब खाना बनता है लोगों को पूरा नहीं पड़ता, फिर आप क्या करें, 7 दिन सूरह फातिहा और सूरह कौसर को पढ़कर एक गिलास पानी लें, 7 दिन इसमें पानी और मिला लें, लेकिन एक ही दफ़ा अमल करके आपने घर के चारों कोनों में, एक कमरे से शुरू हो जहाँ पर एंड होता है, पूरे घर के अंदर आपने पानी का छिड़काव करना है, एक गिलास पानी लेना है रोज़ाना, उसमें और पानी मिक्स करके घर में छिड़काव करना है। आप स्प्रे बॉटल से भी कर सकते हैं। ये जो छिड़काव है पानी का, ये आपने 7 दिन करना है। 7 दिन में गैब से रिस्क आना शुरू हो जाएगा, आपके घर में फरिश्ते रिस्क लेकर आपके घर में दाखिल हुआ करेंगे, आपके घर में रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाएगी, बेहिसाब रिस्क आएगा कि आपकी सोच है, इतना रिस्क आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। दुकान कारोबार तो चलेगा ही,
इस नक्श की बरकत से, इस ज़िक्र ज़िक्रा से, सूरह फातिहा से और सूरह कौसर से, और घर में ख़वातीन ये अमल ज़रूर करें, उनकी फाका कशी जो सी है, घर में रिस्क नहीं आता, घर में बेचैनी रहती है, ये ज़रूर अमल करें। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दें, जज़ाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं, जज़ाकल्ला। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती, जज़ाकल्ला।